हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी। हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी में कंपैरिजन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी क्या होता है, रेशियो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का, दोनों का रेशियो होता है। यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन जो रहेगा लीटर में रहेगा। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलालिटी में क्या होता है, ये भी रेशियो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें जो होता है रेशियो जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें भी रहता है, मगर ये रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट जो रहता है किलोग्राम में रहता है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था और इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है। और मोलारिटी को हम लोग जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और उसका फार्मूला क्या है मोलारिटी का, कैपिटल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है स्मॉल एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट जो होगा वो किलोग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है मोलारिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन। मोलारिटी जो है सॉल्यूशन के होल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जबकि मोलालिटी जो है डिपेंड करेगा ओनली मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मास रहेगा उसी पे मोलालिटी डिपेंड करता है। अब मोलालिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मोलालिटी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। मोलालिटी जो है टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, जबकि मोलालिटी इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें अगर चेंजेस होगा प्रेशर टेम्परेचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोलालिटी में। लास्ट है मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, जबकि मोलालिटी का यूनिट जो होता है मोल पर केजी। तो इस तरह हम लोग देख लिए मोलारिटी और मोलालिटी का कंपैरिजन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।